अस्सलाम वालेकुम जी, रंगमहल पहुंच चुके हैं। तो मुबीन भाई ने अपनी जूतियां चेंज करवानी है बच्चों की। ये देखे ट्रैफिक फुल जाम है और रास्ते में अंकल अपना रोजगार लगा के बैठे हुए हैं। दोनों साइड से आने जाने का रास्ता है। अल्लाह इनको और इज्जत दे, लेकिन ये लोगों का रास्ता तो ना बंद करे। चंदे का बॉक्स भी साथ लगाया हुआ है, नेकी भी साथ साथ और गुनाह भी साथ साथ। ये देखे भाई साहब ने दाढ़ी भी रखी हुई है। दसो भाई साहब तुहाडा इस बारे की मौकफ है? हर तरफ रास्ता बंद है, पैदल भी नहीं बनना। जगह टैक्स कहने इन पैसे देने होने कितने। लो जी मुबीन भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जा रहे हैं वजीर खान की मस्जिद की ओर, तो ट्रैफिक भी जाम है। तो सीन कुछ यूं है कि मुबीन भाई के वालदा अपनी बच्ची के लिए, यानी कि अपनी मुबीन की बेटी के लिए जूता ले गई है और इनको शॉप मिल नहीं रही। और ये यानी कि टेवे तल्ले से ना बहाने लगा के चेक करें किससे जूती लेके गए, और ये चेंज करा रहे हैं। अब देखते हैं कि दुकान मिल जाती है फोन के एड्रेस पे। तो सीन आप लोगों को समझ आ गया ना। बात इस तरह है कि मुबीन भाई के वालदा मुबीन की बेटी के लिए जूता ले गई है और उनको दुकान मिल नहीं रही। वो फोन पे समझा रही है कि इस तरह से इधर को जाएं इधर को जाएं। हमने तकरीबन आधा बाजार विजिट कर लिया, हमें वो शॉप नहीं मिली जिधर से जूता लिया, और अगर मिल भी गई तो वो मानेगा नहीं। फाइनली तुक्के से ही सही मुबीन भाई ने शॉप ढूंढ लिया और जूता हमने चेंज करवा लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ घड़ियां खरीदनी। तो ये लाहौर की मशहूर सुनहरी मस्जिद, और भाई साहब हमें लेके आए यहाँ पे इधर के गोला कबाब खिलाने। ये बहुत ही पुरानी शॉप है, गोला कबाब एक एंटीक अंदाज से बनाए जा रहे हैं। पिड़िया की मार्केट, भाई साहब कितने लाए जे। बर्तनों की मार्केट भी आ गई, ये देखे जी सारे सिल्वर के बर्तन। बिल्कुल तो अंबे के बर्तन आए। ओ जी साहब वाहिद पूरे मार्केट का एक ही जो है ना, ये देखो कूड़ा पहले कूड़ा बहा लिए पूरे लाहौर की, यानी कि अब जितनी भी पार्किंग है ना, डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है जी हमारा पार्किंग स्टैंड। और ये देखे नीचे 20-20 फुट की दुकान और 40-40 फुट की पार्किंग, 40-40 फीट इन्होंने बाहर तक ये अपने टॉयज लगाए हुए। ये देखे कचरा कुंडी, शालमी को इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया हुआ है। साड़ी कौम का साउंड चेक करो, ऐसा चेक करो किन्नी के जगह जाने ना उड़े बाकी सारी पार्किंग। जुलम ने इंतहा नहीं आई साहब, कितने तक पार्किंग है कारोबार देखो जरा। जुलम ने इंतहा भैं, मैं गाल भी नहीं कर सकता। ये चार चार बाइक आगे पीछे लगाई हुई है, जुलम की इंतहा नहीं। क्यों नहीं आई साहब, जुलम है कि नहीं? कटो गाला इन्हों। शालमी पहुंच चुके हैं और ये शालमी का रश चेक करें। घड़ी खरीदनी है और स्टड वगैरह खरीदने हैं। देखो बच्चों के खिलौने आए, हाय हाय देखो बच्चों के। ये 100 रुपए की सेल में अच्छे टॉयज हैं इधर, तो जिसने भी खरीदने हैं बाहर फटे के ऊपर ही लगे हुए हैं आई साहब। वो देखे गाड़ियां भी लगी हुई हैं। ये आई साहब किन्ने की होनी है गड्डी, कौन सा वाली, रेड वाली? हाँ ये मारुति 2007, ये है तकरीबन 10 करोड़ की। लोग पहुंच चुके हैं ज्वेलरी की मार्केट, आई साहब के लिए कांटे टॉप्स वगैरह लेने हैं। आई साहब को शौक पड़ा हुआ, ये देखें आई साहब कहते हैं मैंने बैंगल्स भी पहन के ट्राई करने। ये देखो चाइनीज बच्चा, फाइनली मुबीन भाई को ये वाली वॉच पसंद आ गई है। बहुत ही बढ़िया सी है, खूबसूरत है, डिसेंट सी है। चले अभी देखते हैं भैया को कहा के और अच्छी सी दिखाएं। यार भाईजान ने इतनी प्यारी चाय पी रही है, हमें ना तो चाय की सुलह मारी है। और भाईजान जान पर अच्छी हो थोड़ी, इससे हल्की रेंज हो जाए, यानी कि ये ना हो कि भैया व्लॉग बना रहे हैं। चिंता नहीं करो कोई, आप पैसे नहीं लगा रहे, आपको भी ले आते हैं। शर्मा क्यों रहे हो, माशाल्लाह अच्छा फेस है, सुंदर भी लग रहे हो। अब घबरा क्यों गए हो, आज लड़कियां देखेंगी।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरे वाले हैं माशाल्लाह, अच्छा गरी दिया आपने हमें। तो भैया लाहौर वालों जब भी आप आओ ना इधर शालमी में तो मड़ैच वाच, कौन सी वाच है ये? मड़वा वाच पे आए, आमिर वाच, क्या नाम है इसका? उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। आमिर वाच हाउस पे आए, बहुत अच्छे आई साहब हैं, अच्छा डिस्काउंट देंगे। ले जी, तो अभी अब ज्वेलरी वाला सेट रह गया, तो ये देखें 1 कैरेट में ले रहे हैं हम एक, तो देखते हैं कि कौन से वाला अच्छा है। ओ भाई ये देखो चित्राली लड़का भी हमने देख लिया, ढूंढ लिया लाहौर में, चित्राल से आया ये। हर फंक्शन में पहना जाए, कोई अच्छा हो, कैजुअल हो, छोटा मोटा हो। भाई साहब ऐसे समझो आ रहे हैं, भाई साहब ने बहुत ही सुंदर से करे निकाले हैं 1 कैरेट में। ओ भाई पाके तुसी वापस भी करा सकते हो, 2 दिन का फंक्शन कट गए। तो फाइनली बहुत ही सुंदर, इधर कर इसका फ्रंट, मेरे व्यूअर्स ने देखना इधर कर, इधर कर, अबे फ्रंट करना इसका, ये देख कितना सुंदर है, ये देख एंटीक एंटीक डिजाइन है, चित्राली बच्चा बहुत ही। ज्वेलरी और घड़ी वगैरह ले लिया, तो इसकी पैकिंग के लिए बॉक्स लेने जा रहे हैं डब्बी हैदरी वाले शालमी वाले शालमी में। और हैदरी वाले किधर ने पाजी? यही गिने। अच्छा पैकिंग बॉक्स बहुत ही सुंदर है पाकिस्तान में। ये ओल्ड फैशन ही हो गया, रेड कलर है ना, थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा कलर नहीं है। चले तो सारी शॉपिंग के बाद मुबीन भाई आप चला रहे हैं लाहौर बिरयानी। भैया स्वादिष्ट है ना आपके लाहौर में? बहुत बढ़िया है ना, और मुझे चेक नहीं करवाओगे? भाई मैं अपने पास से ले रहा हूँ बिरयानी, अपनी अपनी बोटी भी अपनी अपनी गुप्त सिटिंग। ये भाई को तो देखो कितनी पक्की उर्दू बोल रहा है मेरे सामने बैठ के, और सामने बैठ के खा गए और सुलह तक नहीं मारा यार। साहिब सरवत हमें तो बना दिया भाई, है एक छोटा सा टुकड़ा सुलह का होता है भाई, इतने ही कह सकते थे भाई ये चखोगे, पैसे तो मैंने खुद ही दे देने थे, और फिर भी खाए जा रहे हैं। उतो भाजी वे वे झूठ मारे जन्दे, DHA च तुहाडा ऑफिस आ? किस चीज की शॉप है? अच्छा क्रॉकरी और डेकोरेशन की, और जो भी कोई मांगने आप देते कुछ नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मैं उन्हें भी ये कहता हूँ कि जी मेरा दिल नहीं मानता, जहाँ पे मांगता है वो मैं उस मदरसे में तावन करता हूँ। माशाल्लाह, यानी लोग हैं जो दूसरों के लिए कर देते हैं ना, लेकिन हर बंदे को वो काम करनी चाहिए जो उसके दिल से खिलास, दिल से आप उसी पे मिले। आपका दिल तो कभी भी नहीं करता होगा खर्चने को जी? नहीं, जिस जगह एक बार कॉन्फिडेंस है उधर ही, माशाल्लाह इधर उधर नहीं। तीन बंदे ते बिरयानी दा हाल चेक करो, टुट के पै गए ने उतो। अज 99 दा ना चलिए मुबीन भाई? जी जी बिल्कुल जावांगे यार। खाना पीना खा के फाइनली व्लॉग बना के तो मैं पहुंच चुका हूँ शालमी। की खा रहे हो भाई? की चल रहा भैया? साग? मैं आ रहा लो यार, मेरे साग दी दिहाड़ी लग गई। तो यार व्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ, ये मेरे भाई की शॉप है, समझे मेरी अपनी शॉप है, मेरे रेफरेंस आएंगे खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, मलक उस्मान साहब इधर बैठे होंगे, तो ये आप जब भी आएंगे, बाजार का की नाम है शालम मार्केट 12 में, जब भी आप आएंगे ये टॉयज आप ले सकते हैं, बच्चों के खिलौने गाड़ियां, तो आप मेरा रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो बाय द वे अभी मैं आपसे ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा तो यार व्लॉग का इख्तिताम करने जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने बिलाल भाई के पास आया हूँ बांसों वाले बाजार में, तो इनके पास ही ना ये अगर किसी की जरूरत की आइटम है, ये देखें ये जो मशीनों वगैरह के ऊपर नहीं कुप्पे वगैरह लगते, ये गंदम निकालने वाली और ये इस तरह की मशीनें वगैरह इधर बनती है, पार्ट्स वगैरह की बांधा है, तिजोरियां भी, हाँ जिसके पास पैसा हो ना पैसा समेटू, तो ये देख सकते हैं तिजोरियां वगैरह बन रही है इधर सेफे सुफे।